नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हरियाणा कैडर की आईएएस अफसर हैं रानी नागर, और रानी नागर एक चर्चित आईएएस अफसर हैं, बहुत चर्चा में रहती हैं। और ख़ास बात यह है कि वो बादलपुर यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती के गांव की हैं, और जब पहले उन्होंने इस्तीफा दियो हो तो बसपा सुप्रीमो ने भी सवाल उठाए हैं, और हरियाणा सरकार को आवाज़ उठाने को नतीजा ये हुआ कि हरियाणा सरकार ने उनको इस्तीफा मंजूर नहीं करो। अब दोबारा रानी नागर चर्चा में है। क्या है मसला, आ जाओ। हरियाणा की चर्चित आईएएस अफसर रानी नागर ने एक बार फिर इस्तीफा दियो है, या तो पहले रानी नागर ने वर्ष 2020 में भी इस्तीफा दियो हो। रानी हरियाणा ते 2014 बैच की आईएएस अफसर हैं। हालांकि अभी तक यह बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उन्होंने दोबारा ते इस्तीफा क्यों दियो है। उन्होंने अपनी इस्तीफे की कॉपी भारत सरकार के राष्ट्रपति के अलावा हरियाणा के मुख्य सचिव और केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजी है। काफ़ी समय से छुट्टी पर चल रही रानी ने दोबारा ते इस्तीफा 7 मई 2022 को दियो। रानी नागर मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर जिले के बादलपुर गाँव की निवासी हैं। इस्तीफा देते हुए रानी नागर ने लिखा कि वो पूरे होश में आईएएस पद से इस्तीफा दे रही हैं। उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति ने कोई भी दबाव नहीं बनाया है। उन्होंने प्रशासनिक सेवा से अपील करते हुए कही है कि वो उनके इस्तीफा को तुरंत स्वीकार करें। आपको बता दें, यदि पहले 4 मई 2020 को गंभीर आरोप लगाते हुए रानी नागर ने अपने पद से इस्तीफा दिया हो। हालांकि वह समय गौतम बुद्ध नगर की जनता और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उनके समर्थन में आए है। यह के बाद हरियाणा सरकार ने उनको इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया। वह समय तमाम बड़े नेता ने रानी नागर को कैडर उत्तर प्रदेश में बदलने की भी मांग करी। दरअसल में है क्या, इतनी बड़ी नौकरी, राजा वाली नौकरी, आईएएस अफसर, और यह तरीका थे अगर इस्तीफा दे और एक महिला, तो सवाल तो बनेंगे, और वजह तो कोई ना कोई जरूर होगी, वरना आईएएस बनने के नहीं है तो लोग तरसे हैं। पूरे पूरे 10-10, 20-20 साल तक मेहनत करें, दिन रात लगे रहें, फिर भी नंबर ना आवे, लेकिन आईएएस बन जाने के बाद अगर कोई इस्तीफा दे रहा है तो कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी, और पहले भी कोई ना कोई वजह ही, जो वह वजह पे बसपा सुप्रीमो और कृष्णपाल गुर्जर और बड़े नेता ने सवाल उठाए है, और सरकार को झुकना पड़ो, सरकार ने उनको इस्तीफा मंजूर नहीं करो। अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या हो, सरकार इस्तीफा मंजूर करे या नहीं करे, और बसपा सुप्रीमो की आवाज़ आवे है या नहीं आवे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो ठोक दो, और वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आपकी मर्जी है, रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।